नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि विटकोफोल सिरप का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, विटकोफोल सिरप को कैसे लेना चाहिए और विटकोफोल सिरप की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि विटकोफोल सिरप को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में विटकोफोल सिरप को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है। विटकोफोल सिरप का उपयोग शरीर में खून की कमी और शरीर की कमजोरी को दूर करने के लिए किया जाता है। शरीर में खून की कमी को मेडिकल भाषा में एनीमिया भी कहते हैं। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं में खून की कमी होने पर भी डॉक्टर प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को विटकोफोल सिरप को लेने की सलाह दे सकता है। शरीर में खून की कमी होने पर शरीर में बहुत ज्यादा थकान, शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी, उठते या बैठते समय चक्कर आना, त्वचा और आँखों में पीलापन, हाथों और पैरों का ठंडा होना, सिर दर्द रहना, छाती में दर्द होना, सांस लेने में तकलीफ होना और दिल की धड़कन का तेज होना आदि लक्षण शरीर में खून की कमी होने पर हो सकते हैं। शुरुआत में ज्यादातर व्यक्तियों में खून की कमी होने पर कोई लक्षण नहीं होते हैं, लेकिन जब शरीर में एनीमिया की गंभीरता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे एनीमिया के लक्षण भी बढ़ते जाते हैं। इसलिए शरीर में खून की कमी को पूरा करने के लिए और शरीर में कमजोरी को दूर करने के लिए डॉक्टर विटकोफोल सिरप को लेने की सलाह दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब हम डिस्कस करेंगे कि विटकोफोल सिरप को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। विटकोफोल सिरप को खाना खाने के बाद लेना रिकमेंडेड होता है। विटकोफोल सिरप को लेने से पहले और लेने के बाद 2 घंटे तक चाय या कॉफी का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि चाय या कॉफी शरीर में आयरन के अवशोषण को कम कर सकती है। आमतौर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर 5 मिलीलीटर विटकोफोल सिरप को दिन में 2 बार लेने की सलाह देते हैं, और 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को डॉक्टर 2.5 मिलीलीटर विटकोफोल सिरप को दिन में 2 बार लेने की सलाह देते हैं। विटकोफोल सिरप की खुराक उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको विटकोफोल सिरप को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना विटकोफोल सिरप को नहीं लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि विटकोफोल सिरप की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में विटकोफोल सिरप की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में विटकोफोल सिरप की वजह से कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। विटकोफोल सिरप की वजह से कुछ व्यक्तियों में कब्ज या दस्त की समस्या हो सकती है। इसके अलावा कुछ व्यक्तियों में विटकोफोल सिरप की वजह से उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना और पेट में दर्द हो सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि विटकोफोल सिरप को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में विटकोफोल सिरप को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है। विटकोफोल सिरप को कैल्शियम सप्लीमेंट्स, दूध और पेट में गैस कम करने वाली एंटासिड दवाओं के साथ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि विटकोफोल सिरप को कैल्शियम सप्लीमेंट्स, दूध और एंटासिड दवाओं के साथ लेने से विटकोफोल सिरप का अवशोषण कम हो सकता है, जिसकी वजह से विटकोफोल सिरप की प्रभावशीलता कम हो सकती है। डॉक्टर विटकोफोल सिरप के साथ विटामिन सी के सप्लीमेंट या विटामिन सी से भरपूर खाद्य पदार्थ खाने की सलाह दे सकते हैं, क्योंकि विटामिन सी शरीर में आयरन के अवशोषण को बढ़ावा देता है, जिसकी वजह से विटकोफोल सिरप की प्रभावशीलता बढ़ जाती है। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका विटकोफोल सिरप से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।